नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की इकाई सेकंड सा भारत में शासन वाला जो आपकी इकाई है उसमें आपका स्थानीय स्वशासन वाला जो टॉपिक है बच्चों वो आपको क्लियर करवा रही हूँ। आज अपना टॉपिक है बच्चों स्थानीय स्वशासन। आप सब जानते हैं बच्चों, हमारे जो देश के नेता है जिन्होंने भारत को आज़ाद करवाया, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का सपना था राम राज्य की स्थापना करना, और राम राज्य की स्थापना तभी हो सकती थी जब गांवों का विकास हो सके। और महात्मा गांधी की जो कल्पनाएं थी उनका ये कहना था कि अगर गांवों का विकास होगा तभी हमारे देश का विकास हो सकता है बच्चों। इसी के साथ महात्मा गांधी की कल्पना को साकार करवाया हमारे संविधान निर्माताओं ने, और हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में कहा गया कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। देखो बच्चों, अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में भी स्थानीय स्वशासन के प्रमाण जो है हमें देखने को मिल जाते हैं, चाहे मौर्य काल हो, चाहे महाभारत काल हो, चाहे गुप्त काल हो, चाहे चौल काल हो, सभी में हमें ग्राम सभा और जो आपकी ग्राम पंचायत है उसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। आप सब जानते होंगे मौर्य काल में, कौन से काल में, मौर्य काल में गांव का जो प्रमुख होता था उसको ग्रामीण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रामीण कहा जाता था। किसको? गांव में जो होता था उसका मुखिया ग्रामीण होता था। और उस जमाने में भी कौन सी व्यवस्था थी? स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था मौजूद थी। इसके अलावा आपका ऋग्वेदिक काल में भी आपको गांव जैसी संस्था मिलती है, और ग्रामणी आपका जो ऋग्वेदिक काल था वहां पर गांव का जो मुखिया होता था वो कौन होता था? ग्रामीण होता था। तो ऋग्वेदिक काल देख लो, चाहे मौर्य काल देख लो, चाहे गुप्त काल देख लो, सभी में हमें किसके प्रमाण देखने को मिलते हैं बच्चों? स्थानीय स्वशासन के प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अंग्रेजी काल में, भी हमें किसके स्थानीय स्वशासन के प्रमाण देखने को मिलते हैं। और हमारे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो कौन था? लॉर्ड रिपन। तो स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में माना जाता है लॉर्ड रिपन। और हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है कि सभी राज्य सरकारों को अपने अपने राज्यों में ग्रामीण पंचायतों की, ग्राम पंचायतों की स्थानीय शासन की स्थापना करनी चाहिए। और इसी के साथ 1952 में पहली बार सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। कौन सा विकास कार्यक्रम चलाया गया बच्चों? सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया 1952 में K.M. मुंशी के सहयोग से। इस कार्यक्रम का क्या हुआ बच्चों? शुभारंभ किया गया। और इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम को ग्रामीण स्वशासन की नींव कहा जाता है। उसके बाद बच्चों 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। बच्चों, और इस बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि स्थानीय स्वशासन को हम त्रिस्तरीय होना चाहिए। ये बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी सिफारिश में कहा ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, और तीसरा बताया बच्चों जिला स्तर। ये तीन स्तर बताए, और इसीलिए बलवंत राय मेहता समिति ने स्थानीय स्वशासन का त्रिस्तरीय ढांचा प्रस्तुत किया। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में
त्रिस्तरीय व्यवस्था का शुभारंभ किया गया और 3 स्तर बना दिए बच्चों, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। ग्राम स्तर पर होती है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इस तरीके से ये त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात बलवंत राय मेहता ने की। और सबसे पहले बच्चों हमारे राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले की बगदरी गांव, नागौर जिले के बगदरी गांव से सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई तो पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करने वाला पहला राज्य राजस्थान में है और इसीलिए 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की नींव राजस्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई। किसके द्वारा रखी गई बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी नींव रखी गई। और आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था जहां पर पंचायती राज व्यवस्था की नींव पड़ी। अब बच्चों हमने पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा तो प्रस्तुत कर दिया, लेकिन समय पर पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव नहीं होते थे, पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं थे, महिलाओं को एससी एसटी को किसी भी प्रकार के कोई आरक्षण का विधान नहीं था। अभी भी हमारी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक ढांचा नहीं दिया गया, समय पर चुनाव नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए समय समय पर पंचायती राज व्यवस्था में सुधार करने के लिए निम्न समितियों का गठन किया गया। उनमें से पहली समिति आपने पढ़ ही ली, बलवंत राय मेहता समिति, जिसके तहत भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। दूसरी समिति थी बच्चों अशोक मेहता समिति, जिसका गठन 1977 में किया गया। तो अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? 1977 में। इसने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर नहीं होने चाहिए, केवल 2 स्तर होने चाहिए, मंडल स्तर और जिला स्तर। इसने 2 स्तरों की बात करी बच्चों, एक मंडल स्तर और दूसरा जिला स्तर। इस तरीके से इसने 2 पंचायतों की बात की, द्विस्तरीय पंचायती की व्यवस्था, द्विस्तर होने चाहिए, ये बात किसने की? अशोक मेहता ने। जबकि त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात कहता है आपका बलवंत राय मेहता समिति, जबकि अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कहता है। अब बात आती है, इसने जिला परिषद को महत्व दिया। इसने कहा जिला कलेक्टर सहित जिला स्तर पर जितनी भी पंचायत समितियां हैं वो जिला परिषद के अंडर में रह करके काम करेगी। तो इस समिति ने, कौन सी समिति ने? अशोक मेहता समिति ने जिला परिषद पर सबसे ज्यादा जोर दिया। उसके बाद आता है बच्चों आरक्षण। इसने कहा एससी एसटी महिलाओं को आरक्षण का विधान किया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव में महिलाओं को अनुसूचित जाति और जनजातियों को वरीयता दी जानी चाहिए, आरक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि समाज की मुख्य धारा से जो ये वंचित वर्ग है वो समाज में आगे आ सके, उनमें आत्मविश्वास पैदा हो सके। इसीलिए बच्चों अशोक मेहता समिति ने कहा कि आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया जाना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए। तो मंडल पंचायत होनी चाहिए ग्राम पंचायत के स्थान पर, जिला परिषद को ज्यादा महत्व दिया, दलगत आधार पर क्या करवाए जाने चाहिए, जिस प्रकार राज्य विधानसभा और संसद के चुनाव दलगत आधार पर होते हैं उसी प्रकार चुनाव पंचायती राज संस्थाओं के भी करवाए जाने चाहिए, ऐसा कहा अशोक मेहता समिति ने।
उसके बाद आता है बच्चों स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका। इसमें ये कहना था कि पंचायती राज संस्थाओं को अधिक कारगर बनाने में स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता ली जानी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आती है अशोक मेहता समिति के बाद में जीवी के राव समिति आई 1985 में। इसने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था में निम्न सुधार होने चाहिए। कौन कौन से? पहला है वित्तीय शक्तियां। पंचायती राज संस्थाओं को अगर वित्तीय संसाधन ढंग से उपलब्ध नहीं करवाए जाएंगे तो गांवों का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए राज्य विधानसभाएं जो है या राज्यपाल जो है वो क्या करता है, वित्त आयोग का गठन करवाता है और इस वित्त आयोग के गठन के माध्यम से इन वित्तीय जो संस्थाएं हैं, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, उनको वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो इस जीवी के राव समिति ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय शक्तियां प्रदान करनी चाहिए। उसके अलावा कहता है वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए, जिसका उल्लेख 243 के में है और अनुच्छेद 280 में भी इस बात का उल्लेख है कि वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जबकि राज्य वित्त आयोग के गठन की बात 243 के में, ये बात सॉरी 243 आई में, के में है निर्वाचन आयोग, 243 आई में इस बात का उल्लेख किया गया है। और इस कहा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 8 वर्ष का रखा जाना चाहिए। ये बात कहती है कौन सी समिति? जीवी के राव समिति। उसके बाद आता है बच्चों सिंघवी समिति। कौन सी समिति? सिंघवी समिति, जिसका गठन 1986 में आया। सबसे इम्पोर्टेंट समिति थी जिसने पहली बार कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। सबसे पहले संवैधानिक दर्जे की बात जो करने वाली समिति थी वो कौन सी थी? सिंघवी समिति। और इसी सिंघवी समिति की सिफारिश के आधार पर 64वां संविधान संशोधन आया, लेकिन 64वां संविधान संशोधन जो कि राजीव गांधी के काल में आया पारित नहीं हो सका बच्चों। लेकिन आगे जाकर के संविधान संशोधन होता है और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिलाने में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका है बच्चों, वो है आपका कौन सी समिति? सिंघवी समिति। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है थुंगन समिति, जिसका गठन 1988 में कहा। इसने भी यही कहा कि अगर पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में दर्जा देना पड़ेगा। 64वां संविधान संशोधन आया था लेकिन पारित नहीं हो पाया। अब आता है बच्चों जो सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हमारे भारतीय संविधान में हुआ, उसका नाम था 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, जिसके तहत हमारी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। हमने अब तक क्या पढ़ा कि स्थानीय स्वशासन के नमूने हमें ऋग्वेदिक काल में भी देखने को मिलते हैं। वहां जन हुआ करते थे, जन छोटे छोटे कबीलों से मिलकर जन होता था, जन से जनपद बने हुए होते थे। उसी प्रकार मौर्य काल में ग्रामीण स्वशासन का प्रधान ग्रामिक होता था। इसके बाद हमने पढ़ा कि लॉर्ड रिपन को हमारे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 40 के नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कहता है। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया, जिसने किसके क्षेत्र में, इसके क्षेत्र में कार्य किया, पंचायती राज संस्थाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया और इस बलवंत राय मेहता समिति ने स्थानीय स्वशासन का त्रिस्तरीय ढांचा प्रस्तुत किया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत,
खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया। उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को स्त्री स्तरीय व्यवस्था को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्घाटन के साथ ही भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है। लेकिन पंचायती राज संस्थाओं में कई ऐसी कमियां रह गई थी जिसके कारण पंचायती राज संस्थाएं आगे नहीं बढ़ पाई। इनके नियमित चुनाव नहीं होते थे, यहाँ पर आरक्षण का ध्यान नहीं था, वित्तीय संसाधन इन लोगों को उपलब्ध नहीं थे बच्चों। तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिखाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया। उनमें से पहली समिति हमने पढ़ी थी बलवंत राय मेहता समिति, दूसरी समिति है अशोक मेहता समिति जिसका गठन 1977 में हुआ, जिसने द्विस्तरीय मंडल की बात करी, द्विस्तर की बात की, मंडल स्तर और जिला स्तर। इसने जिला स्तर पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। आरक्षण की बात कही है कि आरक्षण का विधान भी होना चाहिए, इसके अलावा दलगत आधार पर चुनाव करवाए जाने चाहिए। इसके बाद जीवी के राव समिति आती है 1985 में, सिंघवी समिति, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति जिसका हमारे भारत में बहुत बड़ा योगदान रहा। उस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में 2 संविधान संशोधन हुए बच्चों। एक संविधान संशोधन था बच्चों 73वां संविधान संशोधन। ये जो 73वां संविधान संशोधन था ये 1992 में आया और 24 अप्रैल 1973 को ये संविधान 1993 को ये संविधान संशोधन पारित हो गया। इसीलिए हमारे देश में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है बच्चों। और इस संविधान संशोधन के तहत हमारे भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई बच्चों। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें ग्रामीण स्वशासन का उल्लेख किया गया। और इस ग्रामीण स्वशासन के 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 कैसे लेकर ऋण तक जोड़ा गया और इस 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय दिए गए। और इसी के साथ हमारी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया बच्चों। तो 73वां संविधान संशोधन कब आया? 1992 में आया और 24 अप्रैल 1993 को इसे पारित कर दिया गया। और इसीलिए हमारे देश में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसी के तहत हमारे भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 29 विषय पंचायती राज संस्थाओं को दिया गया और अनुच्छेद 243 में इस बात का उल्लेख किया गया। तो इस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिल गया बच्चों। अब आता है बच्चों 74वां संविधान संशोधन 1993 जिसे जून 1994 में बच्चों पारित किया गया और हमारे देश में नगरीय स्वशासन की शुरुआत हो गई। नगरीय स्वशासन जिसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में है। इसका मतलब है बच्चों 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची हमारे ग्रामीण और नगरीय स्वशासन से संबंधित है बच्चों। और इन नगरीय संस्थाओं को 16 विषय सौंपे गए 74वां संविधान संशोधन के तहत। जून 1994 को इस संविधान संशोधन को पारित किया गया था बच्चों। आगे के वीडियोस में हम ग्रामीण स्वशासन के स्तरों के बारे में पढ़ेंगे, किस में क्या क्या है, ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, पंचायत समिति क्या है,
जिला परिषद क्या है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आज हमने 73वां संविधान संशोधन पढ़ा, जिसमें हमें संविधानिक दर्जा जो दिया गया वो 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्रामीण स्वशासन को, जबकि 74वें संविधान संशोधन के तहत नगरीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया बच्चों, और 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, और यह आपका 12वीं अनुसूची है वो नगरीय स्वशासन से संबंधित है। इन सब की डिटेल हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखो बच्चों, ये राजनीति विज्ञान के ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, ना केवल कक्षा 12 बल्कि रीट, सीटेट, आप एसएससी किसी भी एग्जाम को फाइट कर लो, आपके स्थानीय स्वशासन वाला टॉपिक जरूर आता है। तो बच्चों, आप चाहते हैं कि मैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड ये सारे वीडियोस आपके लिए दिन प्रतिदिन बनाती रहूं बच्चों, तो आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक्स करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कमेंट्स करेंगे। आगामी दिनों में रीट परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है बच्चों, तो आपको अगर तैयारी करनी है तो मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए बच्चों। धन्यवाद।